ये हैं भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने जिस जिस को गले लगाया, शायद उनसे तो किस्मत की देवी ही टूट गई। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ की। नरेंद्र मोदी ने जो ही नवाज शरीफ को गले लगाया तो कुछ ही दिनों बाद उनसे वजारत उज़्मा का ओहदा छीन लिया गया। इसके बाद नंबर आता है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का। नरेंद्र मोदी ने जो ही डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाया तो इसके चंद माह बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत का भी तख्ता धड़म हो गया। इसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का। मोदी जी ने अशरफ गनी को एक नहीं बल्कि दो बार गले लगाया था और अब अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की सूरत हाल आपके सामने है। इसके बाद एक बार फिर गुज़श्ता रोज नरेंद्र मोदी की UN के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। मौसू ने बचने बचाने की बहुत कोशिश की, जैसा कि इस तस्वीर में UN के सेक्रेटरी जनरल के चेहरे पर नागवारी के तासरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने UN के जनरल सेक्रेटरी को भी गले लगा ही लिया।